नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि आखिर कब सोने के भाव कम होंगे। जी हाँ दोस्तों, 2019 का साल चल रहा है, तो ऐसे में कई लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि गोल्ड या फिर सिल्वर खरीदने से पहले आखिर कब सोने के भाव कम हो तो हम जो है सोना खरीद लें। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि आने वाले समय यानी कि 2019 के अंत तक सोने के भाव में कितनी कमी या फिर उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास पर छाए अनिश्चितता के बादल के बीच इस साल सोने और चांदी के जैसी महंगी धातुओं में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वहीं अमेरिका में ब्याज दर में वृद्धि की संभावनाओं पर केंद्रीय बैंक द्वारा फिलहाल विराम लगाने से सोने और चांदी का सपोर्ट बना रहेगा। कार्वी कंसल्टेंट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 बुलियन का वर्ष होगा और अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में कॉमेक्स पर सोने का भाव $1370 प्रति औंस तक जा सकता है। वहीं दोस्तों, बात करें अभी के गोल्ड प्राइस की, तो 24 कैरेट के हिसाब से प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 33,580 रुपये चल रही है। वहीं बात करें साल 2019 की, तो घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव जो है 33,500 से 36,500 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। इसी के साथ बात करें चांदी के भाव की, तो कार्वी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $17.19 प्रति औंस तक जा सकता है, जबकि भारतीय वायदा बाजार MCX पर चांदी का भाव 43,300 से 47,500 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच कारोबार देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि कार्वी कंसल्टेंसी की रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि सोने और चांदी के भाव में आने वाले समय यानी कि 2019 के अंत तक कितने हो सकते हैं। हालांकि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस पर बहुत सारे दूसरे परिबल भी है जो असर करते हैं, जिसमें डॉलर का प्राइस है और इसी के साथ में पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक बल जो है उसका भी असर इस पर देखने को मिलता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।